ये जो आप मेरी करंटली पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर मैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेट कैप्टन के साथ नहीं खड़ा हुआ, मैं इसके अंदर खड़ा हुआ पाकिस्तान के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर के साथ। क्या हाल है ब्रो? यस, अभी अनाउंस हो गया है कि मिसबाह उलग भाई साहब जो हैं वो हमारे हेड कोच भी हैं और हमारे चीफ सेलेक्टर भी हैं। वाओ, वड़ा वाओ। अगर आप पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान भी नहीं, अगर आप दुनिया में उन चंद दो तीन लोगों में से जिनको नहीं पता कि मिसबाह उलग भाई साहब कौन है और उनका हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बनना इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, तो मैं बताता हूँ आपको। मिसबाह उलग हमारे एक्स कैप्टन रह चुके हैं और मिसबाह उलग इज द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जिन्होंने हमें नंबर वन टेस्ट टीम बना के दी है। हमें टेस्ट मैच मिला था फॉर बीइंग द नंबर वन टेस्ट टीम, मुझे सिर्फ मिसबाह भाई ने किया आज तक, तो सर की सिग्निफिकेंस है। मिसबाह सर है एंड मिसबाह उलग वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ द ओडीआई टीम ड्यूरिंग द 2015 वर्ल्ड कप एंड मिसबाह भाई वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड when Islamabad United won. So Mizbah bhai has done some great great things in his life. सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये करूँगा यहाँ पे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है मिसबाह उलग भाईजान के हेड कोच चीफ सेलेक्टर बनने में। पहली बात तो यार ये बहुत माइंड ब्लास्टिंग बात है कि एक ही बंदा हमारा हेड कोच और चीफ सेलेक्टर है, जहाँ तक मुझे लगता है लास्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जहाँ तक मुझे लगता है। शायद मैं गलत हूँ, शायद क्रिकेट जब पाकिस्तान की शुरू हुई हो तब हुआ हो सकता है, लेकिन अभी रिसेंटली तो नथी। मिसबाह उलग बहुत डिफेंसिव ना हो जाए बस, मतलब मुझे भी जो मैंने पिछली वीडियो में डीनो भाई की बात की थी वो मैंने इसीलिए की थी कि मुझे लगता है मिसबाह भाई डिफेंसिव ना हो जाए बहुत। आई नो कि स्ट्रेटेजिकली तो वो ठीक होंगे, उन्होंने पाकिस्तान को जितवाया है इतना, यार स्ट्रेटेजी उनको आती होगी, प्लेयर्स को मोटिवेट करना उनको आता होगा, पहले भी किया ही है। डिफेंसिव का गेम ना कर लें बहुत। आई होप के मिसबाह भाई के अंदर जो अटैकिंग वाली पर्सनैलिटी है ना, जो कभी कभी निकलती थी बाहर जब वो छक्के मार के भागा जाते, आई होप के वाली पर्सनैलिटी बाहर निकले और वो वाली ना निकले जिसके अंदर वो 100 बॉलों पे एक रन बनाते हैं। एक बात और, आई होप कि मिसबाह भाई प्लेयर्स बनाए। उस दिन अपने दोस्तों से बैठ के बात कर रहा था, हाशिर और उस्मान मेरे दो दोस्त हैं, कि यार मिसबाह उलग जब कैप्टन था पाकिस्तान का तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स बहुत सारे नहीं बनाए। आई कांट रिमेंबर कोई प्लेयर जो मिसबाह उलग के टेन्योर में बना हो। मे बी आई एम रॉन्ग, डोंट यू राइट इन द कमेंट गिव रवि भाई ये, मे बी आई एम रॉन्ग। बाय द वे ये कोई छोटी बात नहीं है, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच साथ होना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप लिटरली यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। यू कैन सेलेक्ट योर प्लेयर्स, यू कैन ट्रेन योर प्लेयर्स, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू, यू आर द ओनली पर्सन। चेयरमैन भाईजान तो हमारे वैसे ही थोड़े से साइडलाइन होकर रहते हैं, खैर बोलना नहीं चाहिए ऐसे, क्या पता नहीं हूँ, आई वॉज नॉट देयर, आई एम नॉट देयर, आई डोंट नो, बट स्टिल बहुत पावरफुल पोजिशन है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मिसबाह भाई एकदम से यहाँ से पड़ांग हो गए एकदम से। होपिंग फॉर द बेस्ट टाइम्स फॉर मिस्टर पाकिस्तान क्रिकेट। होप के आई गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू से दैट बॉयज प्लेड वेल। बट इन एनी केस ओपिनियन मेरा जो भी हो इस चीज़ के बारे में, ये एक बहुत कमाल बात है कि मिसबाह उलग हेड कोच और चीफ सेलेक्टर दोनों बन गए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मिसबाह उलग ने अपना डेब्यू किया था पाकिस्तान टीम के लिए 2001 में और 2001 से मिसबाह भाई 2007 तक रुलते रहे थे। वो टीम में आते थे, टीम से निकले आते थे, परफॉर्म करते नहीं थे, मतलब उनका कुछ बन नहीं रहा था, उनकी क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। मिसबाह भाई ने सब कुछ ट्राई कर लिया था, हर टीम में आके देख लिया था, वो टीम में नहीं आ रहे थे एंड देन ही वॉज अबाउट टू क्विट क्रिकेट। उनकी बीवी ने कोई इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मिसबाह भाई ने कहा था कि मेरी लास्ट टूर्नामेंट है, अगर मैं टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। और फिर आ गया था वर्ल्ड T20, इसमें मिसबाह भाई ने पाकिस्तान को फाइनल में लेके चले गए थे इंडिया के खिलाफ और वहाँ पे फिर वो लास्ट बॉल पे आउट हो गए, बट ही टुक पाकिस्तान टू द फाइनल एंड दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट इन मिसबाह उलग करियर। फ्रॉम देन ऑन ही बिकेम द ODI कैप्टन, ही बिकेम द टेस्ट कैप्टन, ही लेड पाकिस्तान टू नंबर वन टेस्ट पोजिशन इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड नाउ ही इज द हेड कोच एंड चीफ सेलेक्टर ऑफ द पाकिस्तान टीम। ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप राइट नाउ। अगर वो उस वक्त क्विट कर देते, सोचें जरा कि आपके फ्यूचर में ये लिखा हुआ कि आप टेस्ट क्रिकेट की टीम का नंबर वन बनाओगे, आप चीफ सेलेक्टर बनोगे, आप हेड कोच बनोगे और आप क्विट करने लगे थे। आई थिंक मिसबाह उलग जर्नी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ वन शुड नेवर गिव अप, वन शुड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई इवन इफ इट सीम्स लाइक यार मेरा तो कुछ नहीं बनता, यहाँ पे बहुत लोग हैं। इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट एंड इफ यू थिंक यू कैन डू इट देन आई थिंक यू कैन डू इट एंड मिसबाह भाई इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट। चलो मेरी कोई भले कोई बहुत बड़ी चॉइस मिसबाह उलग ना हो, बट आई एम इंस्पायर्ड बाई हिज जर्नी एंड आई एम इंस्पायर्ड बाई द फैक्ट दैट इट केम फ्रॉम 0 to 100 एंड आई होप इट इज 0 to 100 फॉर ऑल ऑफ अस। What a deep bath. And on that note,